उसके साथ खाना भी खाया. यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी. मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी कि उसके साथ नाश्ता करूंगी. याद नहीं है? इसलिए तो हम दोनों सुबह कैंटीन में बैठी होती थी. I was so fond of her. पर आज ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ब्राह्मण और किसी अछूत के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ. मैं आने लगी तो कहती कुछ देर और बैठ जाओ. बैठी तो फिर उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई. क्या पूछा? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत तो किसी के फरेब में आ गई थी, पर दानिश की मोहब्बत को क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब दानिश अब मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरे क्यों करे मोहब्बत? वो मोहब्बत करना कोई ड्यूटी है? मतलब आप भाग जाओ और अगला आपकी नाम की माला जपता है. एक मिनट सलमान, उसके सवाल पर गौर करो. गुस्से में इसका जवाब नहीं मिलेगा. समझो तो वो कह क्या रही है. वो कह रही है कि दानिश तो अपने हिस्से की मोहब्बत को निभाता रहे. क्यों कह रही है? अच्छा रुको, याद करो. शुरू शुरू में तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस के जवाब में तुम्हें क्या क्या कह रही हूँ. याद है थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी. डीन को जाके कहा था कि मुझे इस लड़की से डर लगता है. तुम्हारे सारे मैसेजेस भी पढ़ा दिए थे. हाँ, फिर डीन ने मुझे अपने कमरे में बुला के नंगी नंगी गालियां भी दी थी. और मेरे निकाह वाले दिन मुझे कान में कहता है सॉरी. निकाह को छोड़ो, वहीं रुक जाओ जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी. याद है तब तुमने दानिश को कहा था कि नहीं करती तो ना करे? याद है? हाँ याद है. और ये भी कहा था कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नो, यू राइट. ये कहा था मैंने. तो क्यों कहा था? अगर मेरे मोहब्बत ना करने से तुम्हारी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो महवेश की मोहब्बत ना करने से दानिश को फर्क क्यों पड़ता है? You know what? You're very intelligent. Anna? Actually, you're not. You said I'm not intelligent? Oh, bura lag gaya. Sorry, yaar. Kyun bola tha? Bata do. हमने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी सलमान. तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मतलब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, ये काफी नहीं था? ये क्या सवाल है सलमान? 15 मिनट से तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ. मैंने पूछा ये कैसा सवाल है आयशा? अच्छा बोलो. क्या बोलूं? सवाल किया, जवाब दो. हमने निकाह क्यों किया? क्योंकि सोशली और रिलीजियसली हम साथ रहने के लिए शादी के पाबंद होते हैं. पाबंद तो होते हैं ना, लेकिन मोहब्बत को इस चोंचले की क्या जरूरत है? सच बताओ, तुमने रिसेंटली किसको पढ़ा? कई दिनों तक दानिश को और कुछ देर के लिए महवेश को. मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मोहब्बत हो भी जाए तो हम शादी क्यों करते हैं. उस दिन हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबको ये बताते हैं कि हमने एक दूसरे को चुन लिया. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी एल्स. एम आई राइट? राइट, बट तुम्हारे बट का भी जवाब देता हूँ. But she made a mistake. उसको ये याद ही नहीं रहा कि साथ रहने के लिए उसने एक social और religious bond sign किया हुआ था. या फिर एक बेहतर opportunity के लिए उसको वो bond तोड़ना पड़ गया. तोड़ दिया, गलती हो गई, माफी मांग लेगी, जान दे देगी. इस तरह कैसे चलेगी तुम्हारी दुनिया? तो कदम कदम पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आयशा, एक से बढ़ के दूसरी. कल को मुझे कोई और अच्छी लग जाएगी, तुम्हें किसी और से प्यार हो जाएगा. 4 दिन बाद तुम मुझसे मिलोगी, मुझे कहोगी मुझसे गलती हो गई ना. मैं कहूंगा इट्स ओके, तुम घर जाओ मैं आता हूं. मेरी गलती 2 दिन चलेगी तो आयशा सलमान इब्राहिम ये दुनिया कैसे चलेगी? वाह, अभी तो मैं सोशल कमिटमेंट की बात कर रहा हूं या रिलीजियस बॉन्ड की. मोहब्बत की बात तो की नहीं. मोहब्बत तो अंधे लोगों का खेल है. इस खेल में दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता. लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे
तो दूसरे की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसकी आंखें खुल गई हैं आयशा, अब वो दोबारा महविश के लिए अंधा नहीं बनेगा।